हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आज निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई थी। अगर आप देखेंगे जो हमने लेवल ड्रॉ किए थे उनको अच्छे से रिस्पेक्ट किया है निफ्टी बैंक निफ्टी ने। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज अच्छा गैप अप ओपन दिया था, 17,800 के आसपास गैप अप ओपन दिया था। और उसके बाद अगर हल्का सा रिट्रेसमेंट करके एक अच्छा पुल मूवमेंट दिखाई दे, अपसाइड के मोमेंटम दिखाई दिया है निफ्टी में, क्योंकि कुछ अच्छा बजट में कुछ अच्छी न्यूज़ आए थे, जिसके कारण अगर आप देखेंगे बजट खत्म होने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिला निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे लेवल्स का अच्छा रिस्पेक्ट दिखाया है। अगर आप देखेंगे डाउन साइड में जो हमने लेवल ड्रॉ किया है इसी यहाँ ही से इसी एरिया के आसपास से निफ्टी रिवर्स हो गया है। और अगर ऊपर से अपसाइड में देखेंगे तो 18,000 का जो एक स्ट्रांग एरिया रेजिस्टेंस था वहीं से रेजिस्टेंस फेस करके निफ्टी में एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिला। देखिए ट्रेडर्स, बजट था, बजट के कारण एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली मार्केट में, क्योंकि अपसाइड में भी अच्छे ट्रेड देखने के लिए मिले और डाउन साइड में भी अच्छे ट्रेड देखने के लिए मिले हैं इसमें कुछ। अगर आप देखें बजट में जो भी न्यूजेस आई होंगी, लेकिन अडानी ग्रुप में जो सेल ऑफ देखने के लिए मिला, अगर आप देखेंगे अडानी के सारे स्टॉक्स में 10-10% से अब ऊपर की गिरावट देखने मिली। अडानी एंटरप्राइज में अगर आप देखेंगे 30% तक की गिरावट देखने के लिए मिली है। अंबुजा सीमेंट में, अडानी पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे 20-20% से ऊपर तक की गिरावट देखने मिली, जिसके कारण बजट में जो भी मोमेंटम था वो पूरा डाउन साइड में कन्वर्ट हो गया। आप अगर देखेंगे कि 12 बजे के बाद अगर आप देखेंगे, हम 15 मिनट चार्ट खोल लेते हैं। अगर आप देखेंगे ये कैंडल हमारी है 12:45 की। उससे पहले अगर आप देखेंगे इस एरिया के पास मार्केट ने, ये देखेंगे इस एरिया के आसपास निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला अपसाइड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। उसके बाद कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा फॉल दिखाया है, निफ्टी ने कंटिन्यूसली फॉल दिखाया है। अगर आप देखें 18,000 से लेकर 17,400 तक पूरे 600 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली निफ्टी में, लेकिन जिस एरिया पर हमने जो लेवल ड्रॉ किया 17,400 के आसपास का, उस एरिया से नीचे गया, बट क्लोजिंग उसी एरिया से ऊपर की मिली है हमारे। ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था इसने बहुत अच्छा वर्क किया है निफ्टी में, अच्छा सपोर्ट लेवल का काम किया है। अगर कल के लिए हम देखेंगे तो कल के लिए भी हमें, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे इस एरिया के अंदर ही क्लोजिंग मिली है, तो हो सकता है कल थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिले, या फिर हो सकता है निफ्टी इसी एरिया के आसपास साइडवेज मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि आज बहुत अच्छा फॉल देखने के लिए मिला, अपसाइड मोमेंटम और डाउनसाइड मोमेंटम दोनों देखने के लिए मिला है। तो हो सकता है कि कुछ कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो हो सकता है या तो साइडवेज मोमेंटम दिखाए मार्केट, या फिर डाउनसाइड में अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि अपसाइड में अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप में बहुत अच्छा फॉल देखने के लिए मिला है, जिसके कारण पूरे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का, मार्केट में कुछ बियरिशनेस दिखाई दी है। तो हो सकता है कल के सेशन में भी थोड़ी सी बियरिशनेस दिखाई दे और थोड़ा सा सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी में भी सेम अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में जो हमने लेवल ड्रॉ किए थे उनके अच्छा रिस्पेक्ट दिखाया है बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन होने के बाद। अगर आप देखेंगे 1:15 के आसपास एक अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिला ब्रेकआउट के बाद, बट 42,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है वहीं से रेजिस्टेंस फेस करके एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। अगर डाउन साइड में देखेंगे आप ट्रेडर्स, 39,500 के आसपास, 500-600 के आसपास जहाँ पे हमने ये लेवल ड्रॉ किया था वहीं से सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी में अपसाइड क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे क्लोजिंग इसी एरिया के आसपास मिलेंगे, 2-3 दिन से बैंक निफ्टी इसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है अपसाइड, और भले अपसाइड मोमेंटम दिया है लेकिन क्लोजिंग इसी के अंदर में हमें मिली है। अगर कल के सेशन में देखेंगे, कल के सेशन में हम क्या कर सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट देख लेंगे हम। देखिए ट्रेडर्स, अपसाइड में अगर आप देखेंगे ये एक लेवल है जो कि 40,800 के आसपास का है, इसे ब्रेकआउट देके बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखाया है इसमें। तो हो सकता है कल के सेशन में इसमें भी, मुझे यही लगता है कि या तो बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग दे सकता है, 41,600 से लेकर आपका 40,000 के आसपास है, 600 पॉइंट की मोमेंटम रह सकती है इसी के अंदर, बैंक निफ्टी फंसा रह सकता है, क्योंकि आज बहुत अच्छा फॉल देखने के लिए मिला है, एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। हो सकता है कल के सेशन में थोड़ा हॉल्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ट्रेडर्स, कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं हम, पहले उससे पहले देख लेते हैं जो हमने आज स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। देखेंगे पहला स्टॉक हमारा JSW स्टील का, JSW स्टील में हमने बाइंग लेवल दिया था 721 का, तो लेवल हमारा अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है। ओपनिंग देखेंगे 722 के आसपास हुई थी हमारे जो लेवल, उससे 1 रुपये ऊपर हुई थी, बट उसके बाद ओपनिंग होने के बाद हमारा
इसमें टारगेट अचीव हुआ है। 725 का हमारा इसमें टारगेट था, अगर हाई देखेंगे हम इसका, इसमें 739 738.70 रुपये के पास हमारा इसमें टारगेट अचीव हुआ है। टारगेट हमारा 725 का था, बट हाई जो लगाया 738.70 रुपये के आसपास का लगाया है। सेकेंड स्टॉक था हमारा टाटा पावर का। टाटा पावर में अगर देखेंगे हम, गैप अप ओपनिंग हुई थी हमारा जो, इसमें अगर हम देखेंगे बाइंग लेवल जो हमारा था इसमें 214 रुपये का था, ओपनिंग जो हुई थी 214.70 रुपये की हुई है। उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक ने डाउनफॉल दिखाया है, तो इसमें हमारा कोई लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। कलकुल स्टॉक देख लेते हैं हम ट्रेडर्स, कलकुल हम कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा कंटेनर कॉर्प का, कॉन्कर का है, तो इसमें हमारा एक सेलिंग लेवल बन सकता है क्योंकि एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने डाउन डाउन ट्रेंड में, तो ये कल अगर इस स्विंग को क्रॉस करता है तो फिर से कंटिन्यू कर सकता है। बट हम इससे ऊपर थोड़ा सा ट्रेड लेंगे, सेल करेंगे 606 पे, टारगेट होगा 600 का, स्टॉप लॉस होगा हमारा 611 का। सेकंड स्टॉक है हमारा पॉलीकैब का। पॉलीकैब में एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला था अपसाइड में, 2 से 3% का अपसाइड मोमेंटम था, तो जो कल के सेशन में भी कंटिन्यू रह सकता है। बाय करेंगे हम उसे 3040 के ऊपर, टारगेट होगा हमारा 3080 का, स्टॉप लॉस होगा हमारा 3010 का। तो ट्रेडर्स क्वांटिटी दोनों में अपनी थोड़ी कम रखी है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो आपका रिस्क मैनेजर अपना देख के चलिएगा, उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ट्रेडर्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।